अलवर शहर के हृदय स्थल में बसे त्रिपोलिया मंदिर अलवर का प्राचीन शिव मंदिर है। अलवर के रियासत काल में करीब 300 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जिनकी प्रतिदिन अलग अलग रूप में झांकी सजाई जाती है। अलवर शहर ही नहीं, अन्य जिलों से भी श्रद्धालु शिवालय के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोतियां पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि अलवर के ज्यादातर सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टर, राजनेता और अधिकारी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए रात को अवश्य पहुंचते हैं। कई संगठन, राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि अपनी मांगों की पूर्ति के लिए भी भगवान के चरणों में मांगों का ज्ञापन अर्पित करते हैं। ये अलवर के सिंह द्वार पर स्थित ये बाबा त्रिपोलेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, महाराजों के समय का, अलवर की स्थापना के समय का यह शिवालय है, जिसमें अलवर शहर अपितु आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भक्तों में विशेष मान्यता त्रिपोलेश्वर महादेव की है। भगवान त्रिपोलेश्वर नाथ का मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है और मंदिर की स्थापना के समय से ही यहाँ शिव और शक्ति के स्वरूप में ज्वाला जो है अखंड ज्योत के रूप में विराजमान है। यहाँ चौतरफा बाजार है और प्रत्येक दुकानदार है जो प्रातः अपनी प्रतिष्ठान खोलने से पहले बाबा के गौमुख से जल ले जाकर और अपने दुकान में छींटे देखकर फिर ही दिन की शुरुआत करते हैं। प्रातः 4 बजे जो आरती होती है उससे पूर्व 2 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं। त्रिपोलेश्वर महादेव में प्रतिदिन श्रृंगार झांकियां, 4 श्रृंगार झांकियां होती हैं, प्रातः 4 बजे, फिर 6 बजे, संध्या आरती से पूर्व विशेष भगवान का श्रृंगार झांकी सजाई जाती है, जिसका कि संध्या आरती के साथ ही भक्तों को दर्शन लाभ मिल पाता है और भक्त सैकड़ों की संख्या में लंबी कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन, झांकी के दर्शन करते हैं। प्रत्येक सोमवार को विशेष सुंदर ज्योतिर्लिंग जो हैं उनको जोड़ते हुए उनके अनुरूप झांकी सज्जा की जाती है।